हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। NDTN क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में बीम डाइवर्जेंस क्या होता है वो देखने वाले हैं। तो ये वर्ड है बीम डाइवर्जेंस, राइट? तो कई बार है ना, लोग इसको बीम स्प्रेड भी बोलते हैं। तो एक्चुअली बीम डाइवर्जेंस और बीम स्प्रेड जो है, ये दोनों अलग चीज है। मतलब ये अलग तरीके से डिस्क्राइब होता है, आगे हम ये वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे एक एंगल होता है, ये एंगल आपको कैलकुलेट करना होता है। तो आज के इस वीडियो में ये एंगल जो है, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, मतलब अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में जो बीम होता है, या आप इसको साउंड बोलते हैं, तो ये जो साउंड है वो डाइवर्ज होता है, राइट? सो ये जो डाइवर्जेंस है उसका एंगल हमको ढूंढना रहता है। और ये एंगल के लिए मतलब एक कैलकुलेशन वगैरह हम करते हैं। तो ये इसका एक फॉर्मूला भी रहता है, वो फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो यूटी में आपको, मान लीजिए यूटी लेवल 2 करना चाहते हैं या फिर लेवल 3 का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो इसमें ये बीम डाइवर्जेंस के रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम इसका थियरी देखेंगे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है और ये किन किन फैक्टर पे इफेक्ट करता है, राइट? मतलब कि जो आपका प्रोब है उसके फ्रीक्वेंसी है, डायामीटर है, उसके हिसाब से ये बीम डाइवर्जेंस कैसे रिएक्ट करेगा, मतलब कैसे चेंज होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपको पता चल गया, इसका फॉर्मूला आपको पता चल गया, तो उसके बाद आप आसानी से ये बीम डाइवर्जेंस ढूंढ सकते हैं। कोई भी आपके पास प्रोब है, प्रोब में आपको पता है, तो प्रोब आप देखोगे, जैसे ये आपका जॉब है, आपने प्रोब रखा है, तो प्रोब के ऊपर ही आप देखोगे तो वहां पे प्रोब का डायामीटर और प्रोब का फ्रीक्वेंसी वगैरह लिखा हुआ रहेगा। तो उसके बेसिस पे ही आप डायरेक्टली ये बीम डाइवर्जेंस ढूंढ सकते हैं। तो ये हम कैलकुलेट करके भी देखेंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों और कलीग लोगों को शेयर करिए। इसके अलावा ज्वाइन फीचर का यूज करके आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। तो हमने बहुत सारे मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो बनाए हैं, जिसमें मेनली NDT लेवल 2 का पूरा सिलेबस हमने कवर किया है। तो जो कन्वेंशनल मेथड है, LPT, MPT, RT, UT, ये सब मेथड, VT, इसका पूरा सिलेबस आपको इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा कोड और स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन के हमने वीडियो बनाए हैं, और पूछा NDT प्रैक्टिकल के भी वीडियो हमने बनाए हुए हैं, जो यूटी का मशीन है उसमें ही हमने ये वीडियो बनाए हुए हैं। तो ये सब वीडियो का एक्सेस लेने के लिए आप ज्वाइन फीचर का यूज कर सकते हैं और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इसके पीछे का लॉजिक क्या है, बीम स्प्रेड जो है वो कैसे वर्क करता है, ये हमको समझना है। तो देखिए, आप जो प्रोब यूज करते हैं उसको राउंड ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, राइट? या फ्लैट ट्रांसड्यूसर ऐसा बोला जाता है। अभी मैं यहाँ पे पूरे वीडियो में जो बात करूंगा, ये आपके नॉर्मल या डियर प्रोब वाले जो आपके ट्रांसड्यूसर होते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, राइट? तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, नॉर्मल जो सिंगल क्रिस्टल प्रोब होता है उसके हम बात बोल रहे हैं, जिसमें से आपके वेव जो आएंगे वो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होते हैं, राइट? सो इसमें हम ये पूरा वीडियो में ये कवर करेंगे, इसमें बीम स्प्रेड वगैरह कैसे होता है। सो राउंड ट्रांसड्यूसर आर कॉमनली नोन एज पिस्टन सोर्स ट्रांसड्यूसर। तो इसका दूसरा नाम है ना, राउंड ट्रांसड्यूसर या फ्लैट ट्रांसड्यूसर या पिस्टन सोर्स ट्रांसड्यूसर, ऐसा भी इसको बोलते हैं, पिस्टन प्रोब ऐसा भी बोल सकते हैं। ड्यू टू देयर एबिलिटी टू जनरेट साउंड फील्ड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द ट्रांसड्यूसर। तो ये जो प्रोब होता है, ये डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द प्रोब, राइट? मतलब कि प्रोब जो आपका है, जैसे यहाँ पे आपने प्रोब रखा हुआ है, तो डायरेक्टली उसके सामने ही यहाँ पे आपको फील्ड मिल जाएगा ये डायरेक्शन में। ओके, सो इस तरह के ये प्रोब होता है। एनर्जी विद इन द बीम डज नॉट परसिस्ट विद इन अ कंफाइंड सिलेंडर, राइट? सो यहाँ पे एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि आपने प्रोब रखा है ना, तो एनर्जी ये डायरेक्शन में ऐसे जाना चाहिए, राइट? सीधा ही जाना चाहिए, मतलब ये सिलिंड्रिकल शेप है, इस शेप में ही आपका एनर्जी जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, राइट? तो कन्फाइंड सिलेंडर शेप में, मतलब ऐसा सिलेंडर शेप में ये एनर्जी नहीं जाएगा। इंस्टेड इट डाइवर्ज एज इट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, राइट? सो इसकी जगह होता क्या है कि ये डाइवर्ज होता है। डाइवर्ज होना मतलब किस तरह से होगा, यहाँ पे दिखाया है।
ये जो है ना नियर फील्ड आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद ये इस तरह से डाइवर्ज होता है, राइट, मतलब फैलता है, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये फैलता है। सो यहाँ पे ये किस तरह से फैलेगा, मतलब इसका एंगल क्या बनाएगा, उसके ऊपर ये मतलब ये फ्रीक्वेंसी या आपका प्रोब का डायमीटर है ना, उसके ऊपर ये डिपेंड रहता है कि कितना ये आपको एंगल मिलेगा। दिस अकरेंस इज टिपिकली डिनोटेड एज बीम स्प्रेड, इट मे ऑल्सो बी टर्म बीम डाइवर्जेंस और अल्ट्रासोनिक डाइफ्रेक्शन ऑन ओकेजन। तो कई बार इसको अल्ट्रासोनिक डाइफ्रेक्शन ऐसा भी बोलते हैं, राइट, बट यहाँ पे ये ध्यान में रखना है बीम स्प्रेड जो वर्ड है, राइट, और दूसरा बीम डाइवर्जेंस, ये दोनों वर्ड अलग है, राइट, ये दोनों का मीनिंग जो है ये अलग होता है, आगे मैं आपको बताता हूँ, राइट। सो ये हमेशा ध्यान में रखना है। और दूसरा ये नियर फील्ड है, नियर जोन है ना, यहाँ पे मान लीजिए नियर फील्ड का बाउंड्री है, राइट, सो उसके बाद आपको बीम स्प्रेड देखने को मिलता है, राइट, मतलब ये फार जोन जो है आपका, फार जोन या इसको फ्रॉनहोफर जोन ऐसा बोलता है, तो वो जो जोन है, वो जो एरिया है, वहां पे आपको ये बीम स्प्रेड देखने को मिलेगा। ओके, नियर जोन का वीडियो मैंने जस्ट अभी थोड़े दिन पहले ही बनाया था, उसमें नियर जोन का कैलकुलेशन मैंने डिटेल में बताया था, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, नियर जोन का लेंथ जो है वो कितना रहेगा, यहाँ से ये लेंथ कितना रहेगा, ये वो वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था। अभी यहाँ पे आगे देखिए, बीम स्प्रेड में इट शुड बी नोटेड दैट देयर इज एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन बीम स्प्रेड एंड बीम डाइवर्जेंस, राइट। सो यहाँ पे बीम स्प्रेड बीम डाइवर्जेंस ये दोनों अलग है। बीम स्प्रेड इज अ मेजर ऑफ द वॉल एंगल फ्रॉम साइड टू साइड ऑफ द मेन लोब ऑफ द साउंड बीम इन द फार फील्ड, राइट। सो यहाँ पे वॉल एंगल ऐसा लिखा हुआ है, पूरा एंगल, राइट, मतलब कि यहाँ पे ये यह ऊपर का फिगर आप देखो तो इसमें जो पूरा एंगल है, मतलब यहाँ से लेके ये पूरा एंगल है, ये पूरा आप काउंट करोगे, इसको हम बीम स्प्रेड बोलेंगे, राइट, ये बीम स्प्रेड है, ये ध्यान में रखिएगा, राइट। वॉल एंगल मतलब कि पूरा एंगल, वाइल बीम डाइवर्जेंस इज अ मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम वन साइड ऑफ द साउंड बीम टू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बीम इन द फार फील्ड, राइट। सो यहाँ पे ये जो थीटा बाई टू दिखाया है, राइट, मतलब कि हाफ एंगल, इसको बोलेंगे बीम डाइवर्जेंस, राइट, मतलब कि ये जो यहाँ पे लॉब है, राइट, ये जो लाइन यहाँ पे दिया है, मैं येलो कलर से दिखाता हूँ, ये लाइन यहाँ पे दिया हुआ है और ये सेंटर लाइन है, इसके बीच का जो एंगल बनता है, मतलब कि थीटा बाई टू, इसको हम मान मान लेते हैं, स्प्रेड जो है बीम स्प्रेड, ये आपका थीटा है, तो थीटा बाई टू आप करोगे तो आपको बीम डाइवर्जेंस मिलेगा, राइट। सो इस तरह से लिख सकते हैं बीम स्प्रेड जो है, राइट, बीम स्प्रेड जो है वो आपका कितना है, थीटा है, एंड बीम डाइवर्जेंस, राइट, वो आपका थीटा बाई टू है, ये याद रखिएगा, राइट। सो ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है, राइट। सो सेंट्रल एक्सिस जो है वहां से आपका जो लॉब है उसके बीच का एंगल है, ये आपका बीम डाइवर्जेंस है, देयरफॉर बीम स्प्रेड इज ट्वाइस द बीम डाइवर्जेंस, तो बीम स्प्रेड जो है ये डबल है, यहाँ भी दिखाया है, ये बीम स्प्रेड है और ये बीम डाइवर्जेंस है, राइट। ओके, सो व्हाइल कंडक्टिंग एन अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन इट इज क्रूशियल टू अकाउंट फॉर बीम स्प्रेड, हाउएवर इट्स वर्थ हाइलाइटिंग दैट इन द फार फील्ड आल्सो नोन एज द, राइट, सो बीम स्प्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है फार फील्ड में, इसको फ्रॉनहोफर जोन भी बोलते हैं, द हाईएस्ट साउंड प्रेशर इज कंसिस्टेंटली लोकेटेड अलोंग द एकॉस्टिक एक्सिस। तो यहाँ पे साउंड जो है वो आपका, उसका साउंड प्रेशर जो रहता है वो हाईएस्ट कहाँ पे मिलेगा, मतलब कि साउंड प्रेशर का जो इंटेंसिटी है हाईएस्ट कहाँ पे रहेगा, आपका अकोस्टिक एक्सिस पे, राइट, मतलब कि जो सेंटर लाइन मैंने अभी आपको दिखाया वहां पे, और ऑफ द ट्रांसड्यूसर, राइट। सो यहाँ पे जो बीच वाला सेंटर लाइन है वहां पे आपका हाईएस्ट इंटेंसिटी बीम का होता है, राइट, ये यहाँ पे ये सेंटर में दिखाया है, ये रेड कलर से मैंने दिखाया, ये आपका ये एरिया है, मतलब वो लाइन है, वहां पे सबसे ज्यादा आपका बीम का एनर्जी रहता है, देयरफॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट रिफ्लेक्शन आर लाइकली टू कम फ्रॉम द एरिया डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द ट्रांसड्यूसर। तो
सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन जो आपको मिलता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिफ्लेक्शन वो आपको मिलेगा सेंटर, राइट। मतलब कि कोई भी डिसकन्यूटी है वो एकदम बीम के सेंटर में है ना, तो आपको सबसे बढ़िया रिजल्ट देता है। जैसे ये आपका प्रोब है, यहाँ से इस तरह से बीम स्प्रेड है, राइट। सो इसमें यहाँ पे इसका सेंटर लाइन होगा, ओके, एकदम सेंटर लाइन ये। तो मान लीजिए कि कोई डिसकन्यूटी इधर है तो एकदम अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, जबकि इधर कहीं पे है तो इसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा, राइट। सो सेंटर लाइन जो है ना, वहां से ऑलमोस्ट सभी साउंड जो है इधर से वापस आता है, मतलब कि एनर्जी सबसे ज्यादा होगा उधर से वापस आएगा, तो इसका रिफ्लेक्शन भी अपने को अच्छा मिलेगा, ओके। अभी देखिए बीम स्प्रेड कौन कौन से इफेक्ट, कौन कौन से पैरामीटर है उसके ऊपर इफेक्ट करता है, मतलब कि उसके कारण बीम स्प्रेड पे इफेक्ट होता है। तो बीम स्प्रेड इज लार्जली डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी एंड डायमीटर ऑफ द ट्रांसड्यूसर, राइट। सो दो पैरामीटर ही आपको ध्यान में रखने हैं, प्रोब का फ्रीक्वेंसी एंड प्रोब का डायमीटर, राइट। और प्रोब का ही है, राइट, मतलब प्रोब का ये दोनों चीज ही आपको पैरामीटर है वो ध्यान में रखना है। दूसरा मशीन है, केबल है या कुछ भी है, उसका कोई भी पैरामीटर ये बीम स्प्रेड पे इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि बीम स्प्रेड जो फंक्शन है वो किसका है, ये प्रोब का है हमारा, राइट। प्रोब का फैक्टर है तो उसके लिए ये प्रोब के ऊपर ही डिपेंड करेगा, और उसके अलावा एक आपका जो मटेरियल है ना उसका वेलोसिटी पे भी ये डिपेंड करता है, आगे हम देखेंगे, ओके। सो बीम स्प्रेड इज ग्रेटर व्हेन यूजिंग अ लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर देन व्हेन यूजिंग अ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर। तो लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर यूज करोगे, मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगा, तो उस केस में बीम स्प्रेड आपको ज्यादा मिलेगा, राइट। As the diameter of the transducer increase, beam spread will be reduced, right? तो ये भी उल्टा है, मतलब diameter जो है वो आपका increase होगा, ज्यादा होगा उस case में ये reduce होगा, मतलब कि कम होगा। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के inversely proportional है, right? So आपका frequency जो है वो increase होगा, तो beam spread में theta गिन लेता हूँ, theta down होगा, वैसे ही frequency जो है वो down होगा, तो theta जो है वो ज्यादा होगा, राइट। वैसे ही डायामीटर का भी ऐसा ही है, प्रोब का डायामीटर इंक्रीज होगा तो थीटा जो है वो आपका कम होगा, और डायामीटर कम होगा तो थीटा जो है वो ज्यादा होगा, राइट। सो ये है ना फॉर्मूला है इसका, साइन थीटा बाई टू, ये एक्चुअली बीम डाइवर्जेंस का फॉर्मूला है, साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू के लैम्डा बाई बी, राइट। थीटा बाई टू जो है हमको क्या मिलेगा, ये डाइवर्जेंस मिलेगा, अभी हमने देखा, खाली थीटा आप ढूंढोगे तो वो बीम स्प्रेड है, ओके। सो के का वैल्यू जो है ना, ये आपको 1.22 लेना है, राइट, क्योंकि एज जो है ना वो हम लेते हैं, राइट। बीम जो है इस तरह से स्प्रेड होता है, तो एज का जो वैल्यू है ये हमने को लेना है, ये एज है, इसका वैल्यू 1.22 है। बट एग्जाम में मान लीजिए कि आपको स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि के का वैल्यू 1.08 लेना है या 0.56 लेना है, तो उसके हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं, राइट। बट जनरली मोस्ट ऑफ केस में ये के का वैल्यू जो है हम 1.22 लेते हैं, ओके। इसके अलावा क्या है इसमें, देखिए के लेमड़ा बाई डी इस तरह से फॉर्मूला है, राइट। ये तो लेमड़ा जो है ये वेवलेंथ है, तो लेमड़ा इज इक्वल टू वी बाई एफ, इस तरह से आप लिख सकते हैं, v जो है वेलोसिटी है, f फ्रीक्वेंसी है। तो वेलोसिटी आपका जो भी मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करती है, जैसे स्टील है तो स्टील का 5920 मीटर पर सेकंड है लॉन्जिटुडिनल वेव का वेलोसिटी, वैसे ही वाटर है तो वाटर का वेलोसिटी 1500 आसपास होता है, राइट। सो जो भी मटेरियल में आप यूटी करने जा रहे हैं उसका आपको वेलोसिटी लेना है। फ्रीक्वेंसी जो है ये आपका प्रोब का फ्रीक्वेंसी रहेगा, जो भी आप प्रोब यूज करते हैं उसका 2 MHz, 4 MHz, 6 MHz जो भी फ्रीक्वेंसी है वो आपको लेना है, राइट। सो इसमें के लैम्डा बाई डी है, इसमें आप लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई एफ ऐड कर दोगे तो ये इक्वेशन आपको मिलेगा। इसमें भी के का वैल्यू मान लीजिए मैं 1.22 ले लेता हूँ, तो 1.22 वी डिवाइड बाई एफ इंटू डी, राइट। इस तरह से ये फॉर्मूला आपका बनेगा, ओके। सो ये ध्यान में रखना है, ये फाइनल फॉर्मूला है, ये आपको मिलेगा, साइन थीटा बाई टू करोगे तो ये फॉर्मूला आपको मिलेगा, ओके। सो
भी है ना, इसका हम कैलकुलेशन देखते हैं। मतलब कि मैंने ना कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे, ये फिगर पहले देख लीजिए, इस तरह से रहेगा। इसको फ्लेट या पिस्टन ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, राइट, या प्लेट ट्रांसड्यूसर जो हमने अभी देखा। तो ये जो है ना नियर फील है, d² / 4λ, राइट। नियर फील के बाहर आप जाओगे तो उसके बाद आपको बीम स्प्रेड देखने को मिलेगा। तो यहाँ से ये बीम स्प्रेड हो रहा है इस तरह से, राइट। तो λ/d (z) लिखा है, तो z जो है ये हमने एक्चुअली यहाँ पे z वर्ड लिखा है। ऊपर हमने देखा वहां पे k लिखा था, राइट। k का वैल्यू हमने 1.22 लिया, ये प्रोब का डायमीटर है। ओके, सो ये देखिए, ये जो एरिया है ना, ये आपका नियर फील्ड है। तो नियर फील्ड में सोनिक इंटेंसिटी अनइवन होती है, तो उसके कारण आप इसमें डिफेक्ट का इवेल्युएशन वगैरह नहीं कर सकते, राइट। हमने नियर जोन वाले वीडियो में ये देखा था। और उसके बाद आप देखोगे तो फार फील्ड में इंटेंसिटी इस तरह से डाउन होगा। ओके, अभी देखिए मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। एक कैलकुलेशन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, और बाकी के 3 कैलकुलेशन है वो आपको करने हैं, और काफी इजी है ये, राइट। मतलब कि आप एक बार करोगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से ये वर्क करता है, राइट। सो देखिए, पहला ये है, कंसीडर सर्कुलर नॉर्मल प्रोब विथ 4 MHz फ्रीक्वेंसी एंड 10 mm डायामीटर। कैलकुलेट बीम स्प्रेड इन स्टील। स्टील का वेलोसिटी दिया है 5920 m/s, राइट। सो हमारे पास क्या क्या है इसमें, फ्रीक्वेंसी है, एफ है, और 10 mm डायामीटर है। तो डायामीटर है डी, मेरा दिया हुआ है, और ये वेलोसिटी वी दिया है, राइट। सो फॉर्मूला देखिए इस तरह से है, अभी जस्ट हमने देखा, राइट। sin θ/2 इज इक्वल टू 1.22, यहाँ पे k का वैल्यू है, मैं 1.22 लेके ही सभी कैलकुलेशन करूंगा, राइट। v डिवाइड बाय f इनटू d, राइट। सो देखिए 1.22 वेलोसिटी कितना दिया है, 5920। तो 5920 डायरेक्टली ले लेता हूँ, और सभी इसमें ना SI यूनिट में लूंगा, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट लूंगा। मतलब कि वेलोसिटी का उसका यूनिट m/s ही है, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिया है। डायमीटर का वैल्यू 10 है, फ्रीक्वेंसी का 4 MHz है, राइट। तो फ्रीक्वेंसी 4 MHz है, तो मेगा मतलब 10^6, राइट। सो मैंने ये हर्ट्स में ट्रांसफर कर लिया, मेगा हर्ट्स था तो उसको हर्ट्स में ट्रांसफर किया। डायमीटर का 10 mm डाया है, राइट। सो mm को मीटर में कन्वर्ट करूंगा, तो 10 mm इंटू 10^-3, राइट। ये मेरा मीटर में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन है मेरा, ये आ गया कि इसमें SI यूनिट में मिल गया। अभी देखिए मैं इसका कर लेता हूँ, 1.22 कैलकुलेशन इनटू 5920 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 okay, तो इसका आंसर मुझे मिला है 0.18। ओके, 0.180 ऐसा मिला है। इसको साइन इनवर्स मुझे करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स इसमें करोगे तो आपको आंसर इतना मिलेगा, θ/2 इज इक्वल टू 10.36 आंसर मिलेगा, 10.36 डिग्री, राइट। तो ये आपका बीम डाइवर्जेंस आपको मिल गया, राइट। अब कैल्सी में करोगे ये, है ना, आपको ये लिखते हैं इस तरह से, देखिए θ/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.18, राइट। सो ये कैल्सी में आप करोगे ना तो ये आपको आंसर ये मिलेगा, 10.36 डिग्री। ओके, सो ये मुझे बीम डाइवर्जेंस मिला। अब मान लीजिए बीम स्प्रेड ढूंढना है, तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो इंटू 2 कर देना है, राइट। सो थीटा इज इक्वल टू 20.73 आंसर मिलेगा, राइट। सो ये मेरा बीम स्प्रेड इसको बोलेंगे, ये बीम स्प्रेड है और ये बीम डाइवर्जेंस है,
ओके, इस तरह से ये वर्क करेगा। तो ये पहला कैलकुलेशन है। वैसे ही देखिए, आप इसमें ना आपको ये कैलकुलेशन दो अपने हिसाब से करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बोलिएगा क्या आंसर आपको मिलता है। इसमें सेम रखना है, आपका वेलोसिटी सेम रखना है, राइट, और डायमीटर भी सेम रखना है। जो पहला कैलकुलेशन में था वो 10 mm डाया ही लेना है, बट फ्रिक्वेंसी चेंज करना है, 2 MHz लेना है। पहले हमने 4 MHz लिया था। ओके, तीसरा कैलकुलेशन में क्या है कि अपने को वेलोसिटी सेम ही रखना है, फ्रीक्वेंसी सेम रखना है, जो पहले कैलकुलेशन में लिया था क्या था, 4 MHz, राइट, वो सेम रखना है। ओके, बट डायामीटर चेंज करना है, 24 mm लेना है। ओके, तो इस तरह से ये तीसरा कैलकुलेशन करना है। और चौथा कैलकुलेशन है, इसमें आपको ये वेलोसिटी सेम रखना है बट फ्रीक्वेंसी 2 MHz एंड डायामीटर 24 MHz लेना है, राइट। सो दोनों चेंज करना है, तो 24 mm डाया एंड 2 MHz उसके लिए कैलकुलेशन करना है। ओके, सो ये तीनों कैलकुलेशन आप करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको क्या आंसर मिला है। तो उसके बेसिस पे ना आप बाद में एक चीज नोट करिएगा, राइट, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, राइट, वैसे बीम स्पीड में क्या इफेक्ट होता है, ये मैंने आपको बताया ना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और इसका रिलेशन ये वाला, राइट। फ्रीक्वेंसी चेंज होता है वैसे वैसे बीम स्पीड में क्या इफेक्ट होता है, डायमीटर चेंज होता है तो क्या इफेक्ट होता है, ये आपको पता चलेगा, राइट। मतलब आपको क्या करना है कि कंपैरिजन कैसे करना है। देखिए, यहाँ पे आप चार कैलकुलेशन आप करोगे, पहले का मैंने बताया, बाकी का तीन आप करोगे ना, तो इसमें आपको पहला वाला जो है उसमें 4 MHz 10 mm डाया है, राइट। वैसे ही आप ये वाला देखो कैलकुलेशन थ्री, उसमें भी 4 MHz है बट डायामीटर खाली चेंज हुआ है, राइट। सो डायामीटर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। डायमीटर इंक्रीज हुआ है तो बीम स्प्रेड जो है ये आपका डिक्रीज होना ही चाहिए, राइट। ये आप करोगे ना, मतलब कैलकुलेशन वन में जो अपने को आंसर मिला है उससे कम आंसर इसमें आपको मिलना चाहिए, राइट, तभी आपका कैलकुलेशन ओके है। ओके, वैसे ही आप ये दोनों का, जैसे मैं येलो कलर से दिखाता हूँ, ये कैलकुलेशन टू है, राइट, उसमें देखिए 10 mm डाया, 2 MHz लिखा है, राइट, और कैलकुलेशन 4 ले लीजिए, मान लीजिए, राइट। तो उसमें क्या है, 24 mm डाया है, 2 MHz है, राइट। तो इसमें भी डायमीटर इंक्रीज हुआ, ओके, बट आप कैलकुलेशन 2, ओके, और कैलकुलेशन 3, ये दोनों का कंपैरिजन करिएगा, राइट। तो इसमें ओके, दोनों चीज इसमें अलग अलग है, फिर से मैं बता देता हूँ। ओके, पहले आपको कंपैरिजन करना है वो 1 और 3 का कर लेना है, राइट, मतलब कि इसमें फ्रीक्वेंसी सेम है, डायमीटर अलग अलग है, राइट। वैसे ही अभी उसके बाद आपको जो कंपैरिजन करना है वो 4 MHz 2 MHz 10 mm, यस, ओके। जो कैलकुलेशन 1 एंड कैलकुलेशन 2 का आप कंपैरिजन करिएगा बाद में, राइट। सो इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, राइट, डायमीटर भले ही सेम है बट फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, राइट। सो इसमें मान लीजिए कि पहले में जो आंसर आया है और दूसरे में क्या फर्क होगा, दूसरे में क्या है कि फ्रीक्वेंसी कम है, राइट। सो बीम स्प्रेड जो है वो बढ़ना ही चाहिए, आपका ज्यादा ही आना चाहिए, राइट। तो इस तरह से आप कंपैरिजन करिएगा चारों का, तो आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।